हेलो गाइस, मैं हूँ अंशु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और जो मैंने पहले पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम म्यूज़िक सीखने के लिए सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये पहला सेशन स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा था बहुत जल्दी आऊँगी, और बस यही है कि आप लोग प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसा इसमें लगता नहीं है, सबको पता है। लेकिन और ना इनसे हमको, मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलता इन चीज़ों से, लेकिन हाँ ना अच्छा मोटिवेशन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। आप सबका प्यार जो मिलता है ना, उससे मन करता है कि कुछ करूँ, कुछ आगे करने की बहुत इच्छा होती है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन। हेलो गाइस, चलिए बिना टाइम कंज्यूम करते हुए फर्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका गले से निकला हुआ सेवन नोट। सेवन नोट्स जो मतलब पता है लगभग सबको, सारे गामा पाधा नीसा। और इस सारे गामा पाधा नीसा के अंदर भी टू टाइम्स सा आता है, तो जो फर्स्ट आता है वो भी सा आता है, और अंतिम जो आप नोट लगाते हैं हाई स्केल के ऊपर सा, वो भी सा आता है। इसलिए उन दोनों का कॉमन होने की वजह से, क्योंकि एक सा जो कि एक ऑक्टेव का है वो ख़त्म होता है दूसरी ऑक्टेव में जाके, यानी कि सारे गामा पाधा नी ये एक ऑक्टेव है, और लास्ट वाला सा दूसरे ऑक्टेव का फर्स्ट सा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार आप सुन लीजिए, आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ये तो हमने एक बार का नोटेशन वोकल में गा के देख लिया, लेकिन जब भी आप कुछ गाना स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपको अपना गले को एकदम करेक्टली मोड पे लाना होता है। वो कैसे आता है? वो आता है आपका फर्स्ट जो स्वर है सा, उसको आप थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में गाएंगे तो आपका वो वोकल मॉड्यूलेशन, जो गले का जो एक क्लियरेंस समझ लीजिए, जो गला मतलब सही बैठाना होता है कुछ भी गाने से पहले, उसके लिए कंपलसरी रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप सा या कुछ भी गाते हैं तो दो तरीके से गा सकते हैं। सा तो आ नहीं करता है, हमें सा ही गाना है। ब्रीथ लेनी है, सांस अंदर लेनी है, धा
गाइस, प्रैक्टिस या रियाज करने के लिए अगर आपके पास हारमोनियम कीबोर्ड या कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर बजा सकते हैं। अगर आपको उस पर बजाने में कुछ तकलीफ़ आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर नहीं है तो आपको सिर्फ एक मोबाइल की ही ज़रूरत है, जो कि आपके हैंड में है ही, जिससे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके हारमोनियम नाम से जो एक ऐप आता है वो डाउनलोड करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। उसको डाउनलोड करके आप आराम से हारमोनियम के साथ रियाज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें सिर्फ हारमोनियम का वॉइस होगा, एक लाइन में गाऊँगी और उसको आपको रिपीट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार का मैं एक और वीडियो तैयार करूँगी।